हेलो दोस्तों, VCE कंप्यूटर एक्सपर्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं सॉलिड वर्क की एक और पार्ट बनाना सिखाऊंगा और उसको हम रेंडर भी करेंगे। तो चलो ड्राइंग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सॉलिड वर्क को ऑन कीजिए, फिर फाइल के ऊपर टिक करके न्यू पेज लीजिए। यहाँ पे आपको पार्ट के ऊपर क्लिक करके ओके करना है। तो अब यहाँ से आप अपनी ड्राइंग को शुरू बना सकते हो। ड्राइंग आपको फ्रंट व्यू में तैयार करनी है। यहां से हम स्केच के द्वारा लाइन टूल के साथ ड्राइंग शुरू करेंगे। ये हमारा बेस पॉइंट है। ऐसे आप स्केच ड्रा कर दो। एक अब इसको स्मार्ट मेंशन टूल के द्वारा सेटिंग करेंगे। जैसे टोटल ये हाइट हमें 80 चाहिए तो यहाँ पे 80 लिखेंगे, और ये वाली हमें 70 प्लस 30 100 चाहिए, और ये वाली डिस्टेंस जो है वो 15 चाहिए। अब इसको 60 एक्सट्रूड भी करेंगे। तो फीचर में गए, एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक किया तो यहां पे आप अपनी वैल्यू फिल कर दो 60। अब ये कॉर्नर को राउंड भी करेंगे, इसको गोल करना है। रेडियस दिया 30, तो फिलेट कमांड के साथ यहां पे 30 वैल्यू फिल करके आपको दोनों राउंड कॉर्नर सेलेक्ट करने हैं। अब इसको टॉप व्यू से कट भी लगाना है 30 का, तो पीस को सेलेक्ट करके यहां से इसको नॉर्मल कर लो, स्केच बना लो यहां से बिल्कुल सेंटर से। दोनों तरफ ऑफसेट देना है 20 का, 10 उधर 10 उधर। तो यहां पे बाय डायरेक्शनल टूल के ऊपर क्लिक किया, सेलेक्ट चेन और एड मेंशन को बंद कर दो। दोबारा स्केच लगाएंगे यहाँ पे ऊपर, इसको नॉर्मल किया यहां से, और इसके ऊपर आपको एक सेंटर लाइन के ऊपर लाइन ड्रा करनी है यहां से लेके यहां तक। फिर ऑफसेट टूल से ऑफसेट लगाना है 10 का, जो डिस्टेंस दी है वो 30 दी है, जैसे कि ये वाली डिस्टेंस 30 है। अब यहां पे आपको एक सर्कल ड्रा कर देना है 30 का, और ट्रिम टूल से आपको इसको ट्रिम कर लेना है। इन दोनों को आप आपस में मिला दो। अब इसको कट करना है, तो फीचर में गए, एक्सट्रूड कट के ऊपर क्लिक किया, इसको नीचे की तरफ कट कर दो। तो देखिए हमारी बैक ड्राइंग का आधा हिस्सा तैयार हो गया है। अब ये वाला साइड सेलेक्ट करके इसको यहां पे नॉर्मल करो। यहां पे हमें एक सर्कल बनाना है सरफेस कमांड के, स्केच कमांड के ऊपर गए, यहां मिड पॉइंट से आपको एक 30 का सर्कल लगाना है, और एक और लगाना है 30 डाया का, यानी कि 15 रेडियस का। इन दोनों को लाइन टूल से ऐसे मिला देंगे।
अब ट्रिम टूल के साथ ऊपर वाला हिस्सा काट देंगे। तो ये हमें चाहिए, इसके लिए आपको एक्सट्रूड करना है और इसको टोटल 50 एक्सट्रूड टोटल चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे 15 तो है ही और 35 अलग से और करना है, तो 35 लिख के ओके कर देना है। यहां से हमें कट चाहिए, तो जो हमने स्केच बनाया हुआ है उसको दोबारा सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कट से कट करेंगे ऐसे, और अब बिल्कुल सेंटर में एक वेज भी बनाना है। तो वेज बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसका सेंटर प्लेन लेना पड़ेगा, साइड वाला सेलेक्ट करो, यहाँ पे रेफरेंस ज्योमेट्री में क्लिक करके प्लेन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे वैल्यू इसकी 30 भर के उसको फ्लिप ऑफसेट करना है ताकि अंदर की तरफ लगे। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल सेंटर में एक प्लेन लग गया है। अब इस प्लेन के ऊपर हमें वेज बनाना है, कहां से लेके यहां से लेके यहां तक थोड़ा सा आपको अंदर रखना होगा। और अब इसको 10 एक्सट्रूड करना है, 5 एक तरफ करना है तो 5 एक तरफ करना है। तो फीचर में गए, एक्सट्रूड सेलेक्ट किया, यहां पे इसकी वैल्यू भर दो 5 और डायरेक्शन 2 में भी वैल्यू 5 भर दो, फिर इसको ओके करना है। तो देखिए दोस्तों ड्राइंग रेडी हो गई है। इस प्लेन को आप हाइड कर सकते हो, यहां पे टिक करके इसको यहां पे हाइड कर दो। अब जब आप आइसोमेट्रिक व्यू में देखोगे तो आपकी ड्राइंग रेडी है। अब इसको हम रेंडर भी करेंगे। रेंडर करने के लिए आपके यहां पे फोटो व्यू 360 इंस्टॉल होना चाहिए। तो यहां पे आपके रेंडर टूल्स पड़े हैं, सबसे पहले इसको अपीयरेंस देंगे, सीन के ऊपर क्लिक करके बेसिक सीन के ऊपर क्लिक किया तो ये वो सारे बेसिक सीन्स हैं जो कि कलर सिंगल कलर में है, डबल कलर में है। इसमें आप बैकग्राउंड का कोई भी कलर चूज कर सकते हो, जैसे हमें व्हाइट देनी है तो आप सॉफ्ट बॉक्स दे सकते हो, सॉफ्ट लाइट दे सकते हो, यहां से आप वार्म कलर भी दे सकते हो। मान लो हमें ये एम्बिएंट कलर देना है तो यहां पे टिक करके मैं बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर दूंगा और इसको अपीयरेंस पीस पार्ट को अपीयरेंस देने के लिए यहां से आप इसके ऊपर कोई भी मटेरियल लगा सकते हो, ग्लॉस वाला भी लगा सकते हो। अब इसको रेंडर करके देखेंगे, यहां से आप प्रीव्यू विंडो के ऊपर टिक करके इसको रेंडर कर सकते हो। इसमें आपको प्रीव्यू दिखेगा आपकी आउटपुट कैसी आ रही है। बस अब इसको हम फाइनल रेंडरिंग करेंगे, फाइनल रेंडर के ऊपर क्लिक करके आपको छोड़ देना है। देखिए रेंडरिंग हमारी शुरू हो गई है। देखिए दोस्तों 100% रेंडर हो गया है। अब इसको बस सेव करना है, तो सेव इमेज के ऊपर क्लिक करके डेस्कटॉप के ऊपर टिक करके यहां पे आपको अपने ड्राइंग का नाम लिखना है और यहां पे सेव कर देना है। ऐसे ही आप अपनी पार्ट को भी सेव कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जो नए यूज़र हैं वो मेरी आईडी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।